शुभकामनाएं आपको भी। हम देख रहे हैं कि कितने एक्साइटेड हैं गणपति बाप्पा को लेकर, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ये मेरा थर्ड ईयर है एंड ऑफ गणपति कीपिंग गणपति बाबा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी फीलिंग है क्योंकि एक्चुअली में हम ऐसा फील करते हैं कि गणपति हमारे घर आए हैं, डेढ़ दिन रहते हैं तो हम अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब उनके साथ करते हैं, तो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। लाइक हाउ एक गेस्ट आते हैं जिसके आप पूरे साल इंतज़ार करते हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। जी हम देख रहे हैं कि डेकोरेशन जो है बहुत ही क्यूट सा है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा लगा। ये सब कुछ मतलब आपने किया या कैसे, कितना टाइम लगा आपको और कैसे क्या क्या किया? एक्चुअली एक हफ्ते से प्रेपरेशन चल रही है एंड ऑफ कोर्स मम्मा ने 90% काम किया है, ऊपर का सारा टचअप मैंने किया है, तो हमारा वो डील है दैट ऑल द हार्ड वर्क मेकिंग एवरीथिंग इज हर थिंग डिपार्टमेंट, प्रेजेंटिंग एवरीथिंग इज माय डिपार्टमेंट। तो बहुत मज़ा आया एंड जो हमारे गणपति है मैं आपको बताऊंगी, देखिए उन्होंने पगड़ी पहन रखी है, बहुत ही हमने इस बार हमारा पता नहीं ऐसा डिसीजन था एंड मम्मा चाहते थे कि गणपति जो पगड़ी वाले गणपति चाहिए, तो ये बहुत हमें ऐसा लगा जैसे कि आए हैं और हमारे घर में आराम से बैठ गए, तो वो देखते ही वी जस्ट चोज हिम एंड आई वाज लाइक नहीं इस साल ये वाले गणपति हमारे आएंगे। गणेश जी लाने के पीछे सभी का अलग एक व्यू होता है, एक थॉट होता है, तो आप किस थॉट से गणेश जी को अपने घर पर लाए? एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई थी तो मैं हमेशा पहली बार आई वॉज इंट्रोड्यूस टू गणपति महोत्सव एंड मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, बट आई वॉज वेरी इंट्रीक्ड सबसे पहले जब मैंने देखा और इतना फेस्टिव मतलब मूड सबका एंड वाज सो नाइस कि मैंने सोचा था जब एक तो मुझे दिल्ली वापस जाना नहीं था, तो मैंने सोचा था जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगी और मेरा अपना घर होगा तो मैं ज़रूर गणपति रखूंगी एंड दैट वाज माय फर्स्ट थॉट। एंड उसके अलावा यू नो पूरे साल हम अपना घर सबके लिए नहीं खोलते, लाइक आई डोंट कॉल एवरीवन टू माय हाउस, बट ये एक ऐसा दिन है जब मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं किसको आने दूँ घर के अंदर, जो भी मुझे कॉल करके कहता है कि यू नो आई वांट टू कम और आई जितने लोग मेरे लिस्ट में है फ़ोन के आई कॉल एवरीवन, तो दिस इज़ वन डे वेयर एवरीवन इज़ वेलकम टू मीट माय स्पेशल गेस्ट दैट इज़ ऑफ कोर्स माय क्यूट गणपति, तो इसीलिए That is my thing. और घर में हम देखते हैं कि एक अलग ही माहौल होता है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि आपकी भी काफी है, सारे फैमिली मेंबर यहाँ पर आए हैं, तो और मतलब घर में मतलब क्या क्या बनाती हैं आप या घर में आज के दिन क्या क्या बनता है? आज के दिन एक चीज़ है कि हमारे घर में कुछ भी बाहर से नहीं आता, लाइक इवन द मोदक एंड द लड्डू इवन द गिफ्ट्स दे आर ऑल मतलब जो भी लड्डू बनाए सारे घर पर बनाए हैं एंड जो खाना बनता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल बनता है, लाइक ऑफ़ कोर्स यूजुअली सब डाइट पे रहते हैं पर इस दिन सब कचौरी पूरी एंड
एंड हलवा प्लस कद्दू की सब्जी जो एक बेसिक नॉर्थ इंडियन एक्चुअली क्विजीन है हम वो बनाते हैं। महाराष्ट्र में एक्चुअली मोदक्स के बहुत डिफरेंट टाइप वैरायटीज हैं, मतलब मोदक बनाने के, तो आप लोग कैसे बनाते हैं मोदक? इस बार तो जैसे मोहन थाल की रेसिपी को हमने मोदक के शेप में कर दिया, बस मुझे लगा हाँ तो हमें लगा कि सब लोग वो सेम खोए का मोदक खा रहे, तो हमने सोचा क्या गिफ्ट करें क्या गिफ्ट करें, तो फिर मम्मा ने बोला कि मोहन थाल बनाते हैं। मैंने कहा हाँ मोहन थाल तो बनाते हैं बट उसको हम मोदक के शेप में करेंगे। सो एंड इट हैज़ टर्न आउट टू बी ब्यूटिफुल। प्लस बूंदी के लड्डू बनाया वो भी होम मेड, वो देखिए आप वहाँ रखे हैं। वो हाथ से बनाया? जी हाँ वो हाथ से बना हुआ है, स्मार्ट, कुछ भी बाहर का नहीं है। और कोई स्पेशल ऐसी कोई विश होती है जो आप गणपति बप्पा से, आपके दिल से ऐसी कोई विश जो आप चाहती हैं कि बप्पा ऐसा कुछ? ये विश है कि गणपति बप्पा मेरे घर हमेशा आए, हर साल आए, एंड दैट इज़ माय विश फ्रॉम हिम। और दिस ईयर आल्सो काफ़ी सारी, मतलब वी वर ऑल वेरी बिजी, बट मैं बता रही हूँ कि वो मुझे बंद था कि वो आए, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन खुद करवा ली सब कुछ, चाहे वो डेकोर भी अपने आप हो गया, मतलब वी फील कि अरे कुछ गड़बड़ होगा, पर जब तक गणपति आता है मुझे पता होता है दिल में कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और आपका शो भी जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली, अभी तक तो जितने भी लास्ट शो जो मैंने किया था उत्तरण के, सारे मेरे को स्टार्स गणपति पे आते थे, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कॉल्ड ऑल माय जमाई राजा के को स्टार्स टू माय हाउस फॉर गणपति। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि ये नई फैमिली है, नया शो है, एंड लाइक यू नो डेली सोप अगर आप कोई भी शो करते हो इवेंचुअली यू स्पेंड सो मच टाइम विद देम कि वो आपका परिवार बन जाता है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू विश ऑल। लुक इधर सामने, इसके अलावा ये मेरे एगो गणपति हैं जो पूरे साल हमारे साथ रहते हैं। ओह वाओ, तो वो एक दिन बस चले जाते हैं, पर मैं कहती हूँ आप इनमें बस जाइए और मेरे घर में रहिए, मेरे पास रहिए, तो इसलिए ये गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरी इनकी पूजा करते हैं। ये हमारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। कलश की पूजा होती है, इससे नवग्रह की पूजा होती है और देव की पूजा होती है। तो स्टार्ट में हम सबसे पहले देव की पूजा करते हैं।